अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हसैन होम्स फूड और आज बनाएंगे लाहौरी चने। एक पाव मैंने चने लिए थे, इसको मैंने रात को भिगो दिया था। तीन मैंने प्याज लिए, दो टमाटर लिए, इसका अलग अलग से पेस्ट बना लेंगे। सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। अब हम कुकर लेंगे, इसके अंदर चने डाल देंगे, दो तेज़पात लेंगे, इस साइज़ के दो तीन टुकड़े दालचीनी के ले लेंगे, दो बड़ी इलायची लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, इतना पानी लेना है कि चने अच्छे से इसके अंदर डूब जाएं। अब हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे, इसके अंदर एक टेबल स्पून भर के पत्ती का डाल देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका कलर ज़्यादा है तो आप पत्ती ज़्यादा कर सकती हैं। ये पत्ती मैंने मलमल के कपड़े के अंदर बांध ली थी, इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बेकिंग सोडा, ये देखें, चाय वाला चम्मच आधा इसके अंदर डाल देंगे। इस वक्त डालना है, रात को भगोते वक्त इसको नहीं डालना। एक खाने का चम्मच नमक डाल देंगे, फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जो हम मिस कर देते हैं, जिससे चीज़ अच्छी नहीं बनती। कुछ लोग मीठा सोडा रात को भिगोते वक्त अंदर डाल देते हैं, उससे चने जो होते हैं वो टूट जाते हैं। अब हम कुकर को बंद करेंगे। कुकर चलना शुरू हो गया है, 10 से 12 मिनट में चने गल जाएंगे। 12 मिनट हो गए हैं, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम चने अलग और पानी अलग कर लेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही मज़े के चने बनने वाले हैं। चने मैंने अलग कर लिए और पानी अलग, पानी को गराना नहीं, मैं जी आगे जाके बताऊंगी इसका क्या करना है। चने देखें पूरे गल चुके हैं, चने साबुत रहने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे, एक कप ऑयल लेना है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का डाल देंगे, इसको दो तीन मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे, प्याज डालेंगे, मैंने पेस्ट बना लिया था, अच्छे से इसको भून लेंगे। अब हम धनिया पाउडर डालेंगे एक खाने का चम्मच भर के, ज़ीरा पाउडर डालेंगे एक खाने का चम्मच भर, सुरख मिर्च एक खाने का चम्मच, हल्दी चाय वाला चम्मच, नमक चाय वाला चम्मच, आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल लें। अच्छे से मसाले को भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है। आज संडे है, बच्चों की फरमाइश से चने बना रही हैं नाश्ते के लिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अब हम चने डालेंगे अंदर, ये पोटली हम निकाल लेंगे। ये तेज़पात आप अंदर डालना चाहती हैं तो डाल लें, वरना निकालना चाहती हैं तो निकाल दें। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम जिसके पानी के अंदर चनों को बॉयल किया था वो पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, अब अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकती हैं, एक चाय वाला चम्मच गरम मसाला। अब हम इसको दम दे देंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना इसको। अब हम एक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च अंदर डाल देंगे। अब हम सब्ज़ धनिया अंदर डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है, डालना है तो डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें। लाहौरी चने रेडी है, अब हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौरी चने रेडी हैं, सुबह का नाश्ता तैयार है, बहुत ही मज़े के बने हैं। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।